बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ सब्जियों वाले चावल। इसके लिए मैंने लिए हैं 2.5 कप चावल, उन्हें मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया है। आलू लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के, गाजर लिए मैंने फ्रोज़न 1 कप, मटर लिए मैंने फ्रोज़न 1 कप मीडियम साइज़ की, 1 मैंने प्याज ली है, 3 मैंने टमाटर के क्यूब्स लिए हैं, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं मैंने, 3 से 4 लीव्स लिए मैंने पुदीने के। स्पाइसेस में मैं इसमें ऐड करूँगी सूर मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, साबुत गरम मसाला 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून बिरयानी मसाला, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अजवाइन 1/2 टीस्पून। ये सारे स्पाइसेस मैं इसमें ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल मैं लूँगी 1/2 कप, और ऑयल अच्छी तरह गर्म होता है तो इसमें मैं साबुत गरम मसाला ऐड करूँगी। अब मैं इसमें साबुत गरम मसाला ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। साबुत गरम मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी और हम इसे ब्राउन होने तक ऐसे ही फ्राई होने देंगे। प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका था। अब इसमें मैं ऐड किया थोड़ा सा पानी कलर देने के लिए। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करूँगी, सब्ज़ मिर्चें कुछ ऐड करूँगी और कुछ मैं उसे बाद में ऐड करूँगी। साथ इसमें मैं सारे स्पाइसेस ऐड करूँगी और हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी वेजिटेबल्स सारी और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी सारी सब्जियों की। सब्ज़ियाँ हमारी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी हैं इनकी। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी मैंने इसमें 3 ग्लास ऐड किया है चावलों के हिसाब से, और अब हम इसे बॉयल आने देंगे, फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी और इन्हें हम पकने के लिए रख देंगे। अब मैं देखती हूँ चावल, अब इसमें थोड़ा सा पानी रह गया तो मैं इन्हें दम पे लगाऊंगी। इसमें मैं ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्चें साबुत 3 से 4, और पुदीने की जो लीव्स हैं वो ऐड करूँगी, और इन्हें फूड कलर थोड़ा सा ऐड करके दम के लिए दम पे हल्की आंच पे रख दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। अब देखते हैं चावल हमारे कैसे बने हैं। अब देख सकते हैं कितने मज़ेदार से चावल हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। एक एक दाना आपको नज़र आ रहा है, ये नहीं कि सारे मिक्स हुए हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का सब्जियों वाला पुलाव बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ।
कीजिए रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।